आज हम मिठाई में साबुत हरे मूंग के लड्डू बनाने वाले हैं। मूंग से बने हलवा मिठाई आप जरूर खाए होंगे, लेकिन आज हम एकदम नए तरीके से साबुत हरे मूंग का लड्डू बनाने वाले हैं। यह मूंग की मिठाई खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है। इस मिठाई को बनाने के लिए आपको मूंग को भिगोना नहीं पड़ेगा। बहुत ही कम समय में आप इस मिठाई को घर पर आसानी से बना सकते हैं। नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो चलिए हम रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। लड्डू बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक कप साबुत मूंग पानी से धोकर इसका पानी सुखा लिया है। मूंग को हमने भिगोया नहीं है, पानी से धोकर इसका पानी सुखा लिया है। सबसे पहले हम मूंग को भुनेंगे। गैस पर हमने कढ़ाई को रख दिया है। अब कढ़ाई में हम पूरे मूंग को डालकर भुनेंगे। इसे हम मीडियम आंच पर लगातार चलाते हुए 4 से 5 मिनट तक भुनेंगे। अभी मूंग जो है वो हरे रंग में है, लेकिन जैसे जैसे इसको हम भुनते जाएंगे तो ये धीरे धीरे सुनहरे रंग में हो जाएगा। जब इसका कलर चेंज हो जाए तो समझ लीजिए मूंग भुन गया है। क्योंकि लड्डू के लिए सबसे पहले हमें मूंग को अच्छे से भुनना है। जब मूंग अच्छा से भुना रहेगा तभी लड्डू अच्छा बनेगा। अब मूंग सुनहरे रंग में भुन चुका है। इसमें से काफ़ी अच्छा महक आ रहा है, यानी कि मूंग अच्छे से भुन गया है। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल कर ठंडा होने के लिए रखेंगे। अब इसको हम पंखे हवा में रखेंगे जिससे जल्दी ठंडा हो जाए। मूंग को हमने अच्छी तरीके से ठंडा कर लिया है। अब इसे जार में डालकर पीसकर पाउडर बनाएंगे। इसको हम एकदम महीन आटे जैसा पीसेंगे। आप देख सकते हैं मूंग को हमने पीसकर इस तरह से आटा बना लिया है। लड्डू बनाने के लिए मूंग का आटा तैयार है। अब हम लड्डू को बनाएंगे। चलते हैं गैस की तरफ। अब कढ़ाई में 1 बड़े चम्मच देसी घी को डालेंगे। लड्डू हम देसी घी में बना रहे हैं क्योंकि देसी घी में मिठाई ज़्यादा अच्छा बनता है। यहाँ पर हमने थोड़े से कटे हुए काजू बादाम और किशमिश को लिया है। अब इसे डालकर फ्राई करेंगे। मेवा हम ज़्यादा नहीं, बस किशमिश फूलने तक फ्राई करेंगे। जब किशमिश फूल जाए तब मेवा को हम निकाल लेंगे। अब ये मेवा फ्राई हो चुका है, इसे हम प्लेट में निकालेंगे। अब मेवा को हम साइड में रखेंगे। कढ़ाही में थोड़े घी बचे हैं, इसमें 1 बड़े चम्मच घी और डाल देते हैं क्योंकि अब इसमें हम मूंग का आटा भुनेंगे। तो कढ़ाही में हम पूरे पीसे हुए मूंग को डालेंगे। अब इसे हम लगातार चलाते हुए 4 से 5 मिनट तक भुनेंगे। गैस को हम तेज नहीं करेंगे, इसे मीडियम आंच पर भुनेंगे क्योंकि मीडियम आंच पर आटा जलेगा नहीं और अच्छे से भुन जाएगा। अभी आटा सूखा लग रहा है तो इसमें 1 बड़े चम्मच घी और डालेंगे। ध्यान रहे मूंग की मिठाई बनाने के लिए घी कमी न करें, क्योंकि घी रहेगा तभी लड्डू बढ़िया बनेगा और आपको लड्डू बनाने में आसानी होगी। आटे को हमने अच्छे से भून लिया है। अब इसमें थोड़े से हरा फूड कलर डालेंगे। कलर को डालकर इसमें अच्छे से मिला लेते हैं। कलर बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे बिना कलर के लड्डू को बना सकते हैं। अब इसी में 2 बड़े चम्मच दूध की मलाई डालेंगे। मलाई डालने के बाद इसको हम 2 मिनट तक और पकाएंगे जिससे मलाई अच्छी तरह से मिलकर पक जाए। जिस तरह मूंग के दाल का हलवा बनाते समय दाल को अच्छे से भुनना होता है, ठीक उसी तरह इसको भी भुनना है। जितने अच्छे तरीके से पका रहेगा उतना बढ़िया मिठाई बनेगा। भीगे हुए मूंग की मिठाई बनाने में ज़्यादा समय लगता है, लेकिन इस मिठाई को बनाने में बहुत कम समय लगता है। आप इस मिठाई को घर पर जरूर बनाइएगा। यह मूंग की मिठाई खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है। मलाई डालने के बाद इसको हमने 2 मिनट तक भून लिया है। अब हम गैस को बंद करेंगे। अब इसमें डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच इलायची पाउडर। इसके बाद 2/3 कप चीनी पाउडर डालेंगे। चीनी पीसकर हमने इसका पाउडर बनाया है और फ्राई किया हुआ मेवा को डालेंगे। अब सारे चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेते हैं। गैस को हमने बंद कर दिया है क्योंकि अब इसको हमें भूनना नहीं है, बस सारे चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेते हैं। सारे चीज़ों को हमने अच्छे से मिला लिया है। अब लड्डू बनाने के लिए मिश्रण तैयार है। अब इसका हम लड्डू बनाएंगे। मिश्रण अभी हल्का गर्म है तो थोड़ा थोड़ा मिश्रण हम हाथ में लेकर इसका लड्डू बना लेते हैं। आप देख सकते हैं कितने आसानी से लड्डू बन रहा है। घी की वजह से लड्डू आसानी से बन रहा है। इस तरह से 2 लड्डू हमने बना लिया है। इसी तरह से हम पूरे मिश्रण का लड्डू बना लेते हैं।
आप चाहें तो अपने हिसाब से लड्डू छोटे बड़े साइज के बना सकते हैं। इस लड्डू की सबसे खास बात यह है कि ये जल्दी ख़राब नहीं होंगे। बस ध्यान रहे लड्डू को बनाते समय इसमें पानी न डालें, क्योंकि पानी डालने से लड्डू जल्दी से ख़राब हो जाते हैं। तो ध्यान रहे पानी इसमें बिल्कुल न डालें। आप देख सकते हैं सारे लड्डू को बनाकर हमने तैयार कर लिया है। एक कप मूंग में हमारे इतने लड्डू बने हैं, बहुत ही बढ़िया लाजवाब लड्डू बने हैं। एक लड्डू तोड़कर हम दिखाते हैं। तोड़ने से आपको पता चल रहा होगा कितना मुलायम लड्डू बना है, एकदम दानेदार मुलायम लड्डू बने हैं। यह लड्डू दिखने में जितना बढ़िया लग रहा है, खाने में उससे भी ज़्यादा स्वादिष्ट है। आप इस मिठाई को घर पर जरूर बनाइएगा, यह मिठाई घर में सभी को बहुत पसंद आएगा।